खबरें अभी तक का ऑपरेशन करंट जारी है। हम आपको फिर से वो दिखाते हैं जिसमें टोकन मनी 20,000 रुपये दिए गए हैं और किस बेशर्मी से वो लिया गया अधिकारियों द्वारा। आप देखिए ये रिपोर्ट में। क्या तो मंडे ऑडिट करवा के दे देंगे। चेक कल कर ऑडिट हो गया, ऑडिट बना कर दिया, ऑडिट हो गया क्या था? वो तो कर देंगे जो ऐसे तो क्लियर करवा ही दो, ज्यादा अच्छा है। कोई जरूरत नहीं है ऑडिट का, काम जो है ना ये ऑडिट वाला सिस्टम कोई वो नहीं है। ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस सब्सक्रिप्शन। ये अभी लैग नहीं है जो भी, मैं कुछ तो लाया हूं आज दे देता हूं। बात करो मंडे को ले बुलाओगे फिर? कितना भी आओ आप, कल आओ, कल आ जाओ, फोन करता हूं मैं, कल आ जाओ करवा दो, हम तो कर देंगे ले रहा कल। हाँ नहीं नहीं माफ नहीं, मैं अभी भी इनके आगे भी तारीफ कर रहा था आपकी। मेरी बात में कभी तंग नहीं करता। कोई चाय चोई का पुलाव जी, इन्होंने मंगवाई भी थी, मैं वो तब लाइट नहीं थी, फिर लाइट चली गई थी, फिर मैं बाहर चला गया, आपने मीटिंग में भी जाना था तो 20 दे दिया मैंने इनको। तो आपके पोस्टिंग में मतलब की कुछ दे लेके पोस्टिंग होती है, वैसे ही हो जाता? अच्छा क्यों बने रहने के लिए कमा के दो ऊपर अफसर होगा। ये सबसे हेवी पोस्ट है ये वाली ना, आपके गुड़गांव में से सबसे अच्छा सर। अच्छा तो मंत्री मंत्री की अप्रोच लगाते होंगे। अच्छा तो जान पहचान निकाली होगी आपने मेरे, या कभी उनका पर्सनल काम किया होगा? मेरी वाइफ ने किया। अच्छा डेली के 20,000 लगते हैं। कहाँ? अगर कमाई हो तो फिर तो ये चीजें भी चल जाती हैं, अगर ना हो तो फिर मुश्किल है। अब तनख्वाह में तो कोई करेगा नहीं, ये पूरा उद्योग व्यवहार आपके पास होगा या और भी है कोई एसटीओ? पूरा उद्योग व्यवहार मेरे पास है। अच्छा अच्छा, उसके अलावा? अच्छा अच्छा, 17 14 20 रोड 21 22 23 25 से 25 बिहार। टर्नओवर बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि किसकी रिकमेंडेशन से होती है, ये कितना सच है इसके बारे में हमें नहीं पता कि वो क्या रिकमेंडेशन होता है नहीं होता है, या आपने उनकी ज़ुबानी सुनी है। हम आपको बता रहे थे कि किस तरह जब ये स्टिंग हो रहा था तो कितना डर था और क्या क्या परेशानियाँ आई हैं। हम आपको अंडर कवर जो हमारे रिपोर्टर हैं हम उनसे सुनवाते हैं। मैं जो अंडर कवर रिपोर्टर जो वन है, क्योंकि हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं, उनसे सुनवाते हैं कि आखिर किस तरह का डर था और क्या क्या हुआ जब वो स्टिंग कर रहे थे। हाँ बताएं। ऐसा है कि चोर सबसे कमजोर आदमी होता है जी। जो उसको पकड़ता है उसका दिल बहुत मजबूत होता है, और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि वो मालिक आपके साथ हमेशा है। बेशक आप 10 आदमी लेके चलो, अगर वो मालिक आपके साथ है तो आपको कोई डरने की कोई जरूरत नहीं। और जहाँ तक मेरा ये मानना है, अगर ये मेरा मोबाइल भी कोई लेके भागेगा उसका दिल ऐसे ऐसे करेगा, लेकिन अगर मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ मेरा सीना चौड़ा रहेगा, बेशक वो पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए जी। उसके दिल में हमेशा घबराहट रहेगी कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ जी। तो जहाँ तक मेरा है, जब भी मैं स्टिंग करता हूँ किसी भी तरीके की कोई घबराहट नहीं होती मेरे को। मैं ये मान के चलता हूँ जो ये मेरे से काम करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा, वो करवा रहा है, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये काम कर सकूँ इस टाइप के, लेकिन वो मालिक करवा रहा है मेरे से, इसलिए ये मैं काम करता हूँ जी। बिल्कुल, मैं जो हमारे अंडरकवर रिपोर्टर टू हैं मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर क्या क्या हुआ, क्योंकि इनके साथ भी बहुत सारे वाक्य हुए हैं। आइए जानते हैं कि क्या रहा, किस तरह से उन्होंने किया है पूरा ये स्टिंग, कैसे अंजाम दिया इस पूरे स्टिंग को। देखिए अंग्रेजी में कहावत है, डेविल लाइज इन द डिटेल्स।
अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, जब मैं पहली बार गया वहां पे जी, और जो हमने स्टिंग में दिखाया बाकायदा खबरें अभी तक पे जी, मैं कह रहा हूं क्या आप मेरी अजय माकन जी से जान पहचान करा सकते हैं जी, वो कह रहे हैं बिल्कुल करा सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ देवराज जी जी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहले दिन जब मैं गया एक व्यक्ति आया, 3-4 काम कराने थे उसको जी, 3-4 पेपर लिए उसने अलग अलग कंपनियों के, 1 मिनट के अंदर साइन करके उसको फारिग कर दिया। और मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ अपने काम के लिए, सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा, अगले दिन तो मेरे को मौका मिला कि किसी से बात कर सकूँ, अदरवाइज़ कोई बात करने को तैयार नहीं था। वो व्यक्ति मर्सिडीज़ में आया था, एजेंट मर्सिडीज़ में आया था, मर्सिडीज चलाना और गाड़ी को गेट के आगे खड़ी करना, सरकारी ऑफिस के गेट के आगे खड़ी करना, बहुत कॉन्फिडेंस दर्शाता है। जिस हिसाब से ये कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, जैसे हमने एक और उसी के साथ वाला ऑफिस है, वो उसी के साथ वाला कमरा है जहाँ पे हमने देखा वो सीएम की बात कर रहा है, जिस कॉन्फिडेंस से बात करता है उस कॉन्फिडेंस को देखिए आप। क्या होता है, जैसे जब ये नेटवर्क बन जाता है पूरा इन लोगों का, जब इन लोगों की पूरी तैयारी हो जाती है और जब इनके पीछे बैक होती है ना, तो ये हमसे नहीं डरते। शायद चोर डरते होंगे लेकिन डकैत तो नहीं डरते। जी जी बिल्कुल सही। अगर हम इनकी डिटेल्स में जाएं और देखें तो आपको ये पूरा स्टिंग करते वक्त डर नहीं लगा? बिल्कुल बिल्कुल, पहली बार ऐसे तो लोग हैं, इतने रसूख वाले लोग हैं, वहां पे अगर पकड़े गए उसके बाद क्या होगा? जब हम कोई काम करते हैं तो उसको 4-5 लोगों से डिस्कस करते हैं, जब हम उनको बताते हैं कि ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसा हुआ, तो वो कहते हैं मत करना। पर फिर कहीं ना कहीं ये भी एहसास होता है अंदर जाके कि वहाँ पे 50 लोग हैं जिनका काम नहीं हो पा रहा, शायद अगर हम ये ना करें तो 50 लोगों का काम कभी नहीं होगा, शायद उनके लिए कर दें, अपने लिए नहीं तो। और इसीलिए कहीं ना कहीं कोशिश कर करा के आगे बढ़ते रहते हैं। हर वक्त जितना हम काम करते हैं उतनी हमारी हिम्मत बढ़ती है, लेकिन हर वक्त एक डेंजर लगा रहता है कि अगर कोई बंदा इतनी बड़ी पहुँच रखता है, और ये हम देख चुके हैं जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, एडिटर साहब बोल रहे हैं, और काफ़ी दबाव रहा इनके ऊपर, दबाव किसका रहा, कार्रवाई हुई, हम कहते हैं कार्रवाई होगी क्या इस मामले में, कार्रवाई हुई, यही तो कार्रवाई है। इनको कॉल किए गए, इन पे दबाव आया, किसी रिपोर्टर के घर पहुंच गए, बोला सब खैरियत है आपके घर वाले, यही तो कार्रवाई है इनकी। कार्रवाई यही होती है रिश्वतखोरों की, कार्रवाई यही होती है इस सिस्टम की जी, कि किसी तरह से आपको दबाया जाए और आपको डराया जाए। चलिए यहाँ पे दो किस्म के जज्बे मिले हैं, एक तो किसी भी हालत में काले धन को कमाना, रिश्वत खोरी करना, ये एक जज्बा आपको दिखा जो हम आपको विजुअल हमारे खुफिया कैमरे के द्वारा दिखाए, और दूसरा जज्बा जिसमें अपने जान की, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो इतने रसूख वाले हैं कि जान, या फिर हो सकता है कि बहुत ऐसे हालत कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का कि वो हो सकता है महीनों बेड से ना उठे, हॉस्पिटल से ना आए, ऐसे से लोग भी हैं। पर उस जज्बे को भी हम सलाम कर रहे हैं हमारे रिपोर्टरों को जो वहाँ जाकर उसको ऐसी खबरों को, हमारे अंडरकवर जो रिपोर्टर हैं वो लेकर आए, और साथ ही जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं वहाँ पे हम कोशिश यही कर रहे हैं कि लोगों के सामने इनको बेनकाब किया जाए ताकि इन पर सख्त कार्रवाई हो, और जो बाकी करने वाले हैं, जो बाकी सोच रहे हैं ऐसा करने वाले, उनको भी एक तरह से ये चेतावनी है, आप करेंगे किसी भी दिन हमारा कैमरा आपको पकड़ लेगा। नितेश जी आपको क्या लगता है, जो बात जिस तरह से हमारे अंडरकवर रिपोर्टर कह रहे हैं उसको सुनकर आपको क्या लगा? देखिए अंडरकवर रिपोर्टर जो भी बातें कह रहे हैं, साफ बात है कि उनके उनके मन में कहीं ना कहीं डर जरूर रहता है, इस बात का नहीं कि वो पकड़े जाएंगे, बल्कि इस बात का कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो वो क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो रसूख दिखता है उनके आँखों में, वो चीज़ों का डर। लेकिन आपने देखा होगा कि जो विजुअल्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो लगातार दिखाया जा रहा है, टेबल तो सरकारी दिखती है लेकिन जो पीछे का पूरा ऑरा दिखता है, अगर आप देखें चाहे वो सीलिंग हो चाहे जो भी पोर्शन उसमें तस्वीरों में आ रही है, वो किसी सरकारी दफ्तर का प्रतीत नहीं होता। और अधिकारी से जब इस बारे में बात होती है कि बातों को खींचने के तौर पर, तो वो ये कहते हैं कि भाई ये सब कुछ बनाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि सरकारी ऑफिस को ये शक्ल देने के लिए उन्हें शहर में बिल्कुल उन्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए, और ये चाहने की जो इच्छा होती है, चाहने की इच्छा और भी कई तरीके से आती होगी, हो सकता है उनके ऊपर भी दबाव होता होगा, हो सकता है और भी कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन मुख्य इच्छा ये होती है कि जो कमाई है वो बढ़ती रहे। क्योंकि अगर देखा जाए तो
सैलरी को लोग मान के चलते हैं कि वो जो है वो एक जमा धन है जो कि आएगी आपके पास, रहेगी आपके पास, लेकिन जो ऊपरी आय है वो बहता हुआ दरिया है। हमारे पास जो पूरा स्रोत है उनके लिए वो कुछ भी निकालते जाओ, जितना चाहो निकालते जाओ और अपना काम चलाते रहो, तो वो स्थिति यहाँ पर दिखती है। और इसका कभी अंत उस तरीके से इच्छा के तौर पे नहीं होता शायद, और यही वजह है कि रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिलता है। लेकिन जो रिश्वत लेने वाले ये अधिकारी या कर्मचारी हैं उन्हें खास तौर पर इस मुहिम से डरना होगा, क्योंकि अगर इस तरीके से खुफिया कैमरे उनके पीछे होंगे तो निश्चित तौर पर इसे करने के लिए वो एक बार जरूर सोचेंगे। नहीं मैं क्योंकि यहाँ पे पूरे प्रशासन को, चाहे वो गुड़गांव प्रशासन हो, चाहे वो बिजली विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं जो जिन्होंने देखा हो, और हम यही मानकर चलते हैं कि वो इन सब चीज़ों में लिप्त नहीं रहे होंगे, और क्योंकि हमारे पास उनके खिलाफ किसी तरह की बात नहीं आई है, तो मैं वही देखना चाहता हूँ कि कल तक कार्रवाई क्या होती है, रात में क्या कार्रवाई होती है। हमारे रिपोर्टर्स, हमारे जो रिपोर्टर हैं, हमारे जो संवाददाता हैं, वो लगातार इसकी पड़ताल करते रहेंगे कि आखिर इन पर क्या कार्रवाई हुई है। अनिल जी, आपने देखा कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े कारों में आकर वो जाकर अपने जो सरकारी ऑफिस है वहाँ पे गाड़ी लगती है, उसके बाद सारा उल्टा काम, भ्रष्टाचार, काले धन का काम शुरू होता है। आपने ऑफिस भी देखे, नितेश जी बता रहे थे कि ऑफिस भी बिल्कुल आलीशान है, बड़े अच्छे से पेंट और बड़े अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। सरकारी ऑफिस में इतना पैसा नहीं आता, आपको भी पता है। क्या आपको लगता है पूरी बात सुनकर हमारे अंडरकवर जो रिपोर्टर हैं और ये विजुअल देखकर? विजयन जी, अगर कोई मर्सिडीज आती है जी और आके सरकारी दफ्तर के सामने खड़ी होती है, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि जो लाइजनर्स हैं वो कितना मोटा कमा रहे हैं, और ये जो लाइजनर्स हैं असल कमाई इनकी भी है। और जिन अफसरों की हम बात कर रहे हैं, जो अफसर जो कैमरे में कैद हुए हैं, ये अफसर, आपने कहा कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं या जो और ऊपर लोग बैठे हैं, मुझे लगता नहीं कि बिना उनकी सहमति के या बिना, हो सकता है ये छोटे खुद भी नहीं है, दो दो एसडी तमाम हैं इसमें, तमाम ऑफिसर्स गंदे नहीं हो सकते, पूरी सोसाइटी गलत नहीं हो सकती। हर सोसाइटी में हर जगह पे कोई अच्छे लोग भी होते हैं और करप्ट होते ही होते हैं। ये जो जो नेटवर्क है, पूरा जो नेक्सस है, इस नेक्सस पे प्रहार आपने बिल्कुल सही किया है। और अगर इससे भी आँख नहीं खुली और लोग नहीं जगे, तो जो आने वाले दिन हैं, जो और आप लोग एक्सपोज करने को तैयार बैठे हैं, जो आपकी पूरी टीम काम करे, मैं तो फिर सैल्यूट करता हूँ टीम को कि जिन्होंने इतना जोखिम उठा के काम किया। मुझे लगता है कि आप और इसको मैनेजमेंट देखेंगे और डिपार्टमेंट्स को देखेंगे, वहाँ भी आपको इससे बढ़ के करप्शन मिलेगा। मैं तो एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे एक बार मैं कई साल पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे एक ठरक दिमाग में आई कि मुझे कोई सर्टिफिकेट बनाना था नगर निगम से, एक मृत्यु प्रमाण पत्र था मेरे किसी मित्र का, वो जो टेलिंग बंदा था मुझे जानता नहीं था, मैं गया तो उसने उसके पैसे मांग लिए। मैंने उसको जब लताड़ पिलाई तब उसको समझ आया, अरे मृत्यु प्रमाण पत्र का पैसे मांग रहे हो, आप डूब मरो। इस जन की जो करप्शन है, उनको ये लगता होगा कि बिना पैसे अगर प्रमाण पत्र दे दिया तो कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए जी, हाँ। जी। मतलब इस आपको करप्शन का लेवल देखिए जी। और आप बिजली बोर्ड की, आप तो एडजस्टमेंट की बात, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आप बिजली का कनेक्शन लेने के लिए चले जाइए, आपके तलवे घिस जाएंगे, आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा। आप मीटर लगवाना है, आपको मीटर आपको खरीदना होगा, चेक बुक वो लोग करेंगे। अनिल जी, उसमें कई ऐसी स्थितियां हैं, मेरे एक मित्र हैं पुलिस विभाग में है, मैंने जब उनसे एक बार पूछा कि कितना खर्च आता होगा थाने को चलाने के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि भाई जितना खर्च आता है सरकारी खर्चा, वो 7 से 8 दिनों में निपट जाता है। हम बोले तो बाकी का दिन आप कैसे पूरा करते हैं महीने का, तो बोलते हैं रसूख पर पूरा करते हैं। जी, अब ये रसूख का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो रसूख किस तरीके से होता, मैं आपको बताता हूं और क्या रसूख होता होगा। नितेश जी, मुझे एक मुंशी ने ये बताया, मैं आपको कई साल पहले की बात बता रहा हूं, कि एप्लीकेशन जो आप FIR लॉन्च कराने जाते हैं उसके लिए कागज भी, जो बंदा FIR लॉन्च कराने जाता है वो कागज खरीद के जाता है कि मेरे किस कागज पे FIR लिख लो। ये पोजीशन समय थानों की देखी हुई नहीं यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से पूरे वाक्य को हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और भी जितने लोगों के आ रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं, हम उसको एक्सपोज करते जाएंगे, और ये हमारा जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उससे उनसे वायदा है कि हम किसी भी प्रेशर पे नहीं झुकने वाले हैं। हमारे क्योंकि आज इस मकसद हमारा यही है, आज इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है, और हमारे साथ हमारे संपादक जुड़े हुए हैं केवल एक ही वजह से, कि आपको ये बात का दिलासा दिलाने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, बस एक चीज़ का। और हमारे साथ अंडरकवर एजेंट इसलिए बैठे हैं आज
कि बस आपको ये दिलासा देने का कि हम किसी भी प्रेशर के आगे नहीं झुक रहे हैं, हमारे पास जैसे जैसे विजुअल आएंगे, जैसे जैसे हमारे पास इस तरह का खुलासा होगा, हम उसको दर्शकों के सामने लेकर आएंगे, चाहे वो कहा जाता है कि एट एनी कॉस्ट, तो हम एट एनी कॉस्ट लेकर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं केवल आखिरी कमेंट लूँगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, हम आखिरी कमेंट लेंगे। सबसे पहले हमारे एडिटर इन चीफ हैं उमेश जोशी जी, क्या लगता है हम, क्योंकि और भी खुलासे करने वाले हैं, आपको भी जानकारी है, ऐसे में क्या लगता है कि कुछ कार्रवाई उम्मीद है अब इस बार ये पूरे खुलासे के बाद? देखिए, अगर नेता ईमानदार हो जी, तो निश्चित रूप से कल सुबह हम उठें तो हमें ये सुनने को मिले कि इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है जी, अगर ईमानदार है तो इतनी प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम लोग तो प्रेशर झेल गए, नेता प्रेशर नहीं झेल पाएंगे। जब ये लोग हमें इसको रुकवाने की बात कर सकते हैं, तो इनके सस्पेंशन या इनकी नौकरी जाने को भी वो लोग रुकवा सकते हैं इधर उधर से पैरवी करवा के जी, जी। और नीतीश जी ने बिल्कुल सही कहा कि बहता दरिया है रिश्वतखोरी, नमक का दरोगा एक कहानी जी मुंशी प्रेमचंद की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो तनख्वाह है वो पूर्णिमा के चांद की तरह से है, जो रोजाना घटता चला जाता है जी। और रिश्वत की कमाई बहते झरने की तरह से है, और ये बहता झरना मोस्टली अफसर अपने घर में तैयार कर लेते हैं। और एक छोटा सा, मतलब समय कम है लेकिन मैं बताता हूँ कि एक किस्सा बहुत प्रचलित था कि ब्यूरोक्रेट किस तरह से लोगों पर रिश्वत के लिए प्रेशर बनाते हैं। एक फाइल पर लिख दिया उन्होंने अप्रूव्ड, आधा पैसा ले लिया था, आधा पैसा नहीं आया, तो जब क्लाइंट ने कहा कि जब अप्रूव्ड लिख ही दिया है तो फिर आधा पैसा देने की जरूरत क्या है, तो उन्होंने कहा जी अगली बार काम होगा तो दे देंगे। उन्होंने फाइल मंगवाई और अप्रूव्ड से पहले NOT नॉट अप्रूव्ड लिख दिया जी, जी, जी। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि वो आधे पैसे मैं आपको दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, जो बचे हैं उससे डबल आप दीजिए, अब तो काटना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो बोले कि ठीक है डबल देता हूँ, लेकिन फाइल को आप कैसे संभालेंगे? उन्होंने कहा ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो जो NOT लिखा था उसके आगे उन्होंने ई और लगा दी और उससे पहले अबव लिख दिया, अबव नॉट अप्रूव्ड। मतलब ये इस तरह की रास्ते हैं इनके पास, पता है उनको, मालूम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिनो जी जी। अनिल जी बहुत कम समय है, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को, जैसे जोशी जी ने एक आशंका जाहिर की कि शायद कार्रवाई ना हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस वक्त इलेक्शन का माहौल है और सरकार को, खासतौर पर चीफ मिनिस्टर को, इस पर तुरंत एक्शन करना चाहिए, पूरी जाँच कराएँ, सस्पेंड कराएँ और कार्रवाई कराएँ। अगर आपको अपना पूरा नीट एंड क्लीन रखना है, आपको चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शन सिर पे है, चुनाव जीतने हैं, सत्ता में आना है, सच्चाई क्या है सबको मालूम है, सब जानते हैं जी, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए जी, जिससे कि और लोगों को आंख हो कि हम इन करप्शन से दूर भागें। बिल्कुल नितेश, आप बताएं कि और कितने खुलासे हम कर रहे हैं? बिल्कुल विजेंद्र, अगर देखा जाए तो अभी और भी कई खुलासे होने हैं और हम लगातार इस पर बने रहेंगे। जैसे जैसे आपने भी कहा कि जैसे जैसे हमारे पास एक एक क्लिप्स आती जाएंगी, वैसे वैसे हम इसके खुलासे करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास और ऐसी कई क्लिप्स हैं जिनके खुलासे हम अभी इसके बाद भी करेंगे, लेकिन आज के लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं चाहूँगा कि निश्चित तौर पर नेतागण से भी ये उम्मीद करता हूँ कि वो ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लें, ताकि इन्हें सबक मिल सके और हमारी जो उम्मीदें हैं कि जो भ्रष्टाचार है उस पर ख़त्म करने के लिए उसे सरकार चेतेगी और सरकार उसे ख़त्म करने की कोशिश करेगी, तो ये उम्मीद मैं करता हूँ कि सरकार वाकई में ऐसा कुछ करे। जी जी, हम क्योंकि दोनों अंडरकवर जो हमारे रिपोर्टर हैं उन दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और जिस तरह से उन्होंने बड़े दिलेरी से ये हमें स्टिंग करके दिया है जिस पे ऑपरेशन करंट हम चला रहे हैं, और हो सकता है करंट अभी बहुत लोगों को लग भी रहा होगा, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ एडिटर इन चीफ हमारे उमेश जोशी जी, उनको भी बहुत धन्यवाद, और अनिल आर्य जी और नितेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम ये भी आपको, दर्शकों को बता दें कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जंग है, इस जंग को हम जारी रखेंगे जब तक इन पर कोई कार्रवाई और इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।